कटिया गांव निवासी पीड़ित परिवार ने हल्का दरोगा के ऊपर लगाया दबंगई का आरोप। आपको बता दें, जनपद संत कबीर नगर के दनगटा थाना क्षेत्र के कटिया गांव निवासी एक पीड़ित परिवार ने हल्का दरोगा गामा यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर पुलिस अधीक्षक को लिखी शिकायती पत्र सौंपी है। शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि दरोगा गामा यादव द्वारा उनके पुत्र और नाती को फर्जी तरीके से मुकदमा में बझा दिए हैं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं पर गामा यादव दरोगा द्वारा विपक्षी से मिलकर के मुर्गा दारू का सेवन करते हैं और महिला के दरवाजे पर हड्डी और मांस फेंकवा देते हैं, जिसे विपक्षी का हौसला बुलंद है और विपक्षी द्वारा पीड़ित महिला के परिवार के ऊपर जान से मारने का अमादा है, जिसे पीड़ित महिला के परिवार पूरी तरीके से भयभीत है। और वहीं पर शिकायती पत्र में पुलिस अधीक्षक को देकर पीड़ित परिवार ने न्याय का गुहार लगाया है। आइए क्या कुछ कहती है पीड़ित परिवार, को सुनते हैं उनकी जुबानी। बाबा जी आवे ना धमकी देना रात के, चाहे जब बजे रात को आ जाओ, कोनो ठिकाना उनका नहीं है। और जे के हमरे घरे बैठा ला तकरे खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करावे ना, गुंडा सबके घोषित कर देना, चाहे जे के बैठा ला। ओकरे बाद मछली उछली जितना कुछ कूड़ा कबाड़ा सब बाहर वार की सब हमारे घर फेंक देना सब। तो चौहान से पुरानी पुरानी बातों से जिसके वजह से तो हम लोगों को फंसा रहे हैं, उनको पता नहीं कौन मारा है और हमारे भाई को, हमारे पापा को, हमारे चाचा को भी फंसा रहे हैं। वो झूठे कह रहे हैं हमारे घर में हल्के मारे हैं, उनके घर के सभी लोग हम लोगों को गाली कुत्ता देते हैं, हमको राह नहीं चलने देते हैं। गामा दरोगा 2 बजे रात को आते हैं, वो भी गाली गुत्ता देते हैं। हमारे घर महिला भी रहती हैं, हमसे 50,000 रुपया मांगते हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ से 50,000 रुपया दें। तो लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हम लोगों के साथ। और सनाप सतीराम, पिंटू चौहान, कन्हई चौहान, ये लोग 5 दिन पहले हमारे घर कट्टा लेकर आए थे और लोग हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। डरा सहमा हुआ है और बदतमीजी करते हैं हम लोगों के साथ। हमारे घर गंदा फेंकते हैं, मछली फेंकते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं। बोलने पे सब लोग गाली देते हैं, लोग गाली देती हैं, उनके घर की बेटियाँ भी गाली देती हैं हम लोगों को। हम लोग जब भी जाते हैं तब भी वो लोग गाली देती हैं, ताना मारती हैं हम लोगों को। हमारे घर में पंडित फंसे मतलब हमारे द्वार उनके द्वार फसला। अब यह कुल हमारे इनकी समझते हैं, हमारे परिवार में बहन आई थी हमें ऐसे करी है हमारे पर कहूँ गंदा फेंक देते हमें, कहूँ मछली फेंक देते हम धोते, कहूँ कुछ करते हैं, कहूँ भेज देते मार के दूसरे शहर से लड़की है उसका भेज देते मारे की हमारे द्वारा जिसे बैठा ला तो उसका कहा ना किसान और गुंडा है वो गामा दरोगा आना ना तब फोन पर ले ना ले जाए तो फिर नाम पर न लिखा था 2 बजे रात को ही ना है। कौन 2 बजे रात को? गामा दरोगा 2 बजे रात को ही ना पता ना रुका रुका देता हमें ताना रुका ना कि केस निकाल देंगे, पता कि ना रुका देना कि केस निकाल देंगे, निकाल देंगे तो अच्छा ना पैसा ना तो पैसा का हक है ना, तो पैसा पावा ना कि ना तो धमकी दे ना। अब बड़ी बड़ी सांसद सरकार हमारे शहर से हम बात नहीं होता खाना दे सब जन घेरा ना उनको संभान हमारा मंजू हमारा चिंटू हमारा कन्हई हमारा अब 4-5 घर महरारी हैं तो घेर घेर मारे ही हम सबके नाराजन के और लड़कन के सांसद के रूप में सब दम ना तो दम लगा देते हैं। अब सांसद लड़कन कहाँ छोड़ के चल जाए तो अपना जहर खाए नहीं पूरा घर रह ही नहीं देता।